भाई बस अब 10 मिनट बचे हैं। तो भाई अभी तुम्हारा भाई म्यूनिक जा रहा है, लेने जा रहा है। ये म्यूनिशन ऑप्स्ट का बान ऑफ है, कोई भी चीज तुम्हें समझ ना आए, गलत सीन ही हो गया है। तुम्हारा भाई रेडी हो गया, वॉक करने के लिए जा रहे हैं। एक तो दोस्त साथ में जा रहे हैं, तो चलते हैं। 7:30 बज रहे हैं अभी सुबह के, और आज एक चीज खरीदने जाएंगे हम। तो बताता हूँ मैं क्या खरीदेंगे, हम वीडियो में बने रहना। म्यूनिक जाएंगे और लेके आएंगे उसको। वॉक करने में मजा आने वाला है, क्योंकि एकदम बेहतरीन धूप निकली हुई है गाइस। भाई ये ऑटो बन पे आ चुके हैं, देख लो। भाई हम रोंगटन के शूटिंग ट्रैक पे आ चुके हैं। ओए होए होए, जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो भाई यहाँ पे रोंगटन मूवी की शूटिंग हुई थी, हम जिंदा बच चुके हैं। तो कैसा लग रहा है जिंदा बच के? भाई वापस जंगलों से निकल के आना, एक खतरनाक इमोशन। तो बेयर गिल्स बन के कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा भाई। तो भाई अभी तुम्हारा भाई म्यूनिक जा रहा है, म्यूनिक के थोड़े आउटस्कर्ट वाले एरिया में कुछ लेने जा रहा है। वो तो मैं म्यूनिक चलते हैं तब पता चलेगा, अभी हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। ट्रेन जाएगी यहाँ से रोजनाइम से, रास्ता है पूरा आगे। 3-4 ट्रेन और बसेस चेंज करके मिल चलते हैं। भूख बहुत लग रही है वॉक करके, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं। भाई बस अब 10 मिनट बचे हैं, जल्दी से चलते हैं। तुम्हारे भाई ने इतनी जल्दी जल्दी खाना खाया ना, बस कुछ भूला ना हो। पैसे ले लिए, स्टूडेंट आईडी नहीं की जरूरत नहीं है, ले लेते हैं। मौसम तो खतरनाक हो रखा है, बस बारिश ना हो तो अच्छा है। और जल्दी जल्दी चलते क्योंकि 10:21 पे हमारी ट्रेन है। अगर ये ट्रेन मिस होती है तो 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेन के लिए। फिर तो 3-4 ट्रेनें लेनी पड़ेंगी, ट्रेन बस एसबान बस ऐसे। भाई साहब बहुत तेज हवा चल रही है यार। चलो तुम्हारा भाई 5-6 मिनट पहले पहुंच गया जल्दी जल्दी चल के, तो इट्स अ गुड थिंग। तो अभी हम प्लेटफॉर्म 6 पे हैं, 1 पे जाने हैं, प्लेटफॉर्म 1 पे जाना है, और एस बान लेनी है एस4। और मैं म्यूनिशन हॉप बान ऑफ नहीं उतरा, म्यूनिशन ऑस्ट करके है वहाँ पे उतरा हूँ। प्लेटफॉर्म आइंस, प्लेटफॉर्म 1 पे तो आ गया हूँ मैं, पर ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पे S6 क्यों लिखा है, S4 होना चाहिए ना यहाँ पे। और बारिश हो रही है यार, पता नहीं यार। तो ये लिखा है S4 है, गैल्टन डॉक ग्लाइसाइन, मतलब प्लेटफॉर्म आइंस 20 मिनट में आएगी। ओहो 20 मिनट, यहाँ पे ऊपर तक ठंड लग रही है बहुत, तो नीचे रख वेट करते हैं 10-15 मिनट फिर चलेंगे। ये म्यूनिशन ऑप्स का बान ऑफ है, यहाँ पे तुम्हें खाने का सब मिल जाएगा, बुक स्टोर भी है यहाँ पे। ये DB का राइजेज एंट्रोम है, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें समझ ना आए, सब चीज़ें ऊपर से जाए ना, तो यहाँ चल जाओ। टिकट भी बुक कर देते हैं और तुम जाके पूछ भी सकते हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ग्लाइस 2 11 मिनट, मतलब प्लेटफॉर्म चेंज हो गया और हमें वैसे 1 के साइड में 2 है, 10 मिनट में आ रही है, तो चलते हैं ऊपर। अभी गलत सीन ही हो गया है कि ये ट्रेन लेट थी, इस चक्कर में 11:55 पे ट्रेन अभी यहाँ पहुँची है, 47 पे पहुँचनी थी और 11:55 में मेरी बस जा चुकी है अब, तो मुझे नहीं लगता नेक्स्ट बस अब लेट मिलेगी। क्या यार, अब यहाँ से आधा घंटा वेट करना पड़ेगा फिर है ट्रेन, और मुझे वहाँ 12:30 पहुँचना था। अगर मेरे को ट्रेन मिल जाती 11:55 वाली, तो 12:03 पे मैं पहुँच जाता। लेट। तो अभी 12 बज रहे हैं, और जितनी भी ट्रेन है आसपास के बस स्टैंड सब चेक कर लिए मैंने, 12:35, 38, 40, मतलब इससे पहले कोई नहीं है। तो अब वैसे तो ये रास्ता सीधा जाता है, 30 मिनट्स वॉक में लगेंगे, तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं 30 मिनट्स वेट करूं या 30 मिनट्स चल के चला ही जाऊं। तो मैं पैदल ही चला जाता हूं, क्योंकि मेरे को टाइम पे पहुंचना भी तो है। ये मस्त है ना, तुम गाड़ी के पीछे लगाओ और मस्त कैंपिंग करने जाओ कहीं भी, मनाली स्पीति, और सारा सामान भर के लेके जाओ। पर उसके लिए एक तुम्हारे पास फोर्ड रैप्टर टोयोटा टैकोमा होनी चाहिए। देखो सब है, PM, टेडी, एडेका में तो कभी नहीं गया हूँ, टेडी भी नहीं गया हूँ, तो अभी आते हुए जाएंगे इस पे, देखते हैं। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कहाँ आया हूँ, तो म्यूनिक का थोड़ा आउटस्कर्ट वाला एरिया है, जगह का नाम एमेरिंग करके है, म्यूनिक के थोड़ा आउटस्कर्ट में, पर आता म्यूनिक में ही है। तो एमेरिंग में एक रेवे है, वहाँ पे जा रहे हैं। भाई साहब लिटरली दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा तुम्हें। और अगर मैं हिंट दूं ना कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, तो इनलाइन 4 है, मे बी इनलाइन 3 हो, पर इनलाइन
4 होएंगे मेरे हिसाब से, पर मुझे पता है तुम इनलाइन 4 से क्या समझोगे, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही समझता। पर ट्विस्ट आएगा एंड में, बहुत तगड़ा ट्विस्ट, तो बने रहना वीडियो में ताकि वो तुम ट्विस्ट देख के अपना दिल तोड़ सको। मेरा प्यार अगर हमें बस मिलती तो हम इस बस स्टॉप पे उतरते और यहाँ से हमें फिर अपनी पैदल यात्रा आरंभ करनी थी, पर हमने तो वहीं से कर दिया है। अगर मैं दिखाऊं तो तुम्हारा भाई यहाँ क्यों आया था, क्या लेने आया था, तो भाई तुम्हारा भाई ये लेने आया था और इन लाइन स्केट्स, तो इसीलिए भाई इन लाइन तुम्हारे भाई ने स्केट्स लिए हैं। इन लाइन कितने के पड़े भाई? मुझे 15 यूरो के पड़े हैं। बस ये मेरे को इतना दूर आना पड़ा और जब बस मिस हुई और पैदल आना पड़ा तो थोड़ा और भारी पड़ जाती है चीज़ें। तो अब वापस जाने का देखते हैं कैसे जाना है और फिर चलाते हैं भाई इसको अपनी रोजनहाइम में। तो तुम्हारे भाई की एस्पोर्ट 7 मिनट में आ रही है। तो भाई रोजनहाइम ऑफिस आ गया हूँ मैं, पर को अनबॉक्स भी करते हैं, पर चलाएंगे बाद में क्योंकि ट्रायल रन भी तो देना है ना, तो बाद में चलाएंगे क्योंकि अभी नख थक गया हूँ। तो बैंड बजी हुई है लातों की, आई थिंक इट्स अ कार्ड। तुम्हारा भाई खाना बना रहा है, नमकीन चावल बनाए हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो जल्दी से खाना खाते हैं और फिर दवाई लेते हैं। अनबॉक्सिंग करनी थी बाद में करेंगे, तो पहले खाना खाते हैं, दवाई लेते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। तो भाई रेस्ट करने से पहले इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये कार्ड है भाई अपना, चला के तो बाद में देखेंगे, अभी रखते हैं इसको। तो भाई अभी 9:30 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले नमकीन चावल गर्म करके खाए हैं मैंने, दवाई ले ली है, पर एक काम रह गया है जो आज करना था, इसको अनबॉक्स करना। चलाएंगे तो हम कल इसको, तो मैं दिखाता हूँ कैसे हैं। तो भाई स्पेसिफिकेशंस तो देख लो, इनलाइन 4 है, एल साइज का है। तो इसको भाई फाइनली हम अनबॉक्स करते हैं, और अगर तुम्हें ये दिखाऊं तो ये ब्रांड न्यू है। अगर तुम इसकी देखोगे ना, टायर्स इसके बिल्कुल नए हैं, ब्रेक अगर तुमने यूज़ करा होगा तो तुम्हें पता होगा ब्रेक घिस जाती है इसकी जल्दी। तो इसको हम चलाएंगे भी। तो भाई आते हैं वैसे चलाने मेरे को, पर यहाँ पे अलग ही मज़ा आएगा चलाने का, क्योंकि यहाँ पे लेन साइकिल की चलने की सब अलग है, तो सेफ है चलाने के लिए, पर अलग एक्सपीरियंस रहेगा इनको चलाने का, तो वो देखेंगे भाई, मजा आएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, वायरल होना चाहिए तुम्हारा भाई, और उसको वायरल करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए तुम्हारे भाई को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कल संडे है और स्केट्स चलाएंगे अगर तबीयत ठीक रही, तो वीडियोज भी ऐसी आती रहेंगी। तो भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।